इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी टैमा बीटा पच्चीस टैबलेट ईआर एक दवा है जिसका इस्तेमाल उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है रक्तचाप को कम करके यह भविष्य में होने वाले दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद करता है इस दवा के साथ प्रारंभिक उपचार भी दिल के दौरे वाले रोगियों में जीवित रहने की संभावना में सुधार करता है टैमा बीटा पच्चीस टैबलेट ईआर को भोजन के साथ प्रतिदिन एक नियत समय पर लेने की सलाह दी जाती है ताकि खून में दवा का स्तर एक समान बना रहे जब तक आपके डॉक्टर ने सलाह दी हो तब तक इसे लेते रहें यदि आप अच्छा महसूस करते हैं तब भी इस दवा को अपने आप बंद न करें क्योंकि उच्च रक्तचाप के अक्सर कोई लक्षण नहीं होते हैं यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिति और खराब हो सकती है नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना अपना वज़न कम करना और स्वस्थ आहार खाने से भी आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें इस दवा के कुछ सामान्य दुष्प्रभावों में सिरदर्द कमजोरी चक्कर आना रक्तचाप में कमी और रक्त में पोटेशियम का स्तर बढ़ जाना शामिल है इस दवा को लेते समय पोटेशियम युक्त भोजन और पूरक आहार से बचने की सलाह दी जाती है इससे चक्कर आ सकते हैं गाड़ी चलाने से बचें या बैठने की स्थिति से धीरे धीरे उठें उपचार के दौरान आपसे रक्तचाप रक्त शर्करा के स्तर गुर्दे की कार्य प्रणाली यूरिया या इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर की नियमित निगरानी के लिए कहा जा सकता है इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवर या किडनी की कोई समस्या है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना होगा कि आप कौन सी अन्य दवाएं ले रहे हैं विशेष रूप से वे जो उच्च रक्तचाप या हृदय की स्थिति का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद